सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी के पास ये आए थे आज, क्योंकि जिस प्रकार से चीन में उपचुनाव थे और उपचुनावों को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी ने वहाँ परचम फहराया है, बातचीत करेंगे टंडन जी से। टंडन जी आज सीएम निवास पर आते हैं, बधाई देने के लिए आए हैं। हमें जैसे ही सूचना मिली कि जींद के इस असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी ने जो बाकी तीनों जो मेजर पार्टीज थी उनको पिछाड़ के एक ऐसी बढ़त हासिल कर ली है जो बढ़त को टूटना नामुमकिन लगता है, और इस समय मेरे को बताया गया है लगभग 12,000 से अधिक वोटों से बीजेपी के जो हमारे उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। जैसे ये सूचना मिली चंडीगढ़ के सब कार्यकर्ताओं के अंदर भी हर्ष उल्लास आता है, क्योंकि चंडीगढ़ एक हरियाणा की राजधानी है और मनोहर लाल जी के साथ हमने काम किया है, तो सब लोग अपने कार्यकर्ता भी उसी उल्लास के साथ सब ने कहा कि चलो उनके पास जाकर बधाई देते हैं, तो हम सब लोग उनको मिलने के लिए आए। मैं जींद की जनता और हरियाणा वासियों को सबको बधाई देता हूँ, ये एक आने वाले जो समय का एक शुभ सूचना है। संजय जी, जिस प्रकार से चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ कांग्रेस प्रकार से कई उम्मीदवार इस टाइम देखा जाए तो टिकट की रेस में है, उन्होंने टिकट का दावा किया कांग्रेस के टिकट की बात करें, यहाँ से रेल मंत्री भी रहे हैं, इस प्रकार से कांग्रेस के कई नामी नेताओं का टिकट लेने की रेस में आना कैसे मानते हैं? देखिए, अपनी अपनी पार्टी में किसी को भी अपना मत रखने का मुझे लगता है कि अधिकार है, तो जो भी व्यक्ति वहाँ पे अप्लाई करना चाहता है उसको शुभकामनाएं, लेकिन जब दंगल होगा तब पता लगेगा कांग्रेस कहाँ खड़ी है। क्या बीजेपी 960 से आगे और 15,000 वोटों की काउंटिंग बची है? देखिए, रेस में शामिल होना कोई किसी को कोई रुकावट नहीं है, के प्लस माइनस 2 है, लेकिन फाइनली हमारी जो हाईकमांड है जो निर्णय करती है उस निर्णय के साथ सब कार्यकर्ता फिर उस काम पे लग जाते हैं। तो ये है संजय टंडन, जिनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा उनकी टीम को यहाँ बधाई देने के लिए आए। इसके अलावा कांग्रेस के कई लोग जो है चंडीगढ़ के चाहवान है, चंडीगढ़ से अगर बात की जाए यूपी से, तो उसको लेकर उनका कहना है कि अपनी पार्टी में हर व्यक्ति को बात रखने का अधिकार है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़ चंडीगढ़।